हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आइकन साइज को हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, यानी कि पहले जैसा आइकन साइज हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, मेरा जो आइकन है वो कितने बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, मैं इनको छोटा करना चाहता हूँ, स्मॉल करना चाहता हूँ, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रेडमी का फ़ोन है, और आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग पर क्लिक कर लेना होगा। तो क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको दिखा रहा है होम स्क्रीन, तो होम स्क्रीन पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड आप इसे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको दिखा रहा है आइकन साइज, तो आइकन साइज पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का ये आइकन शो करेगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपको लाइन दी जा रही है आइकन साइज के नीचे ब्लू कलर की, आप इससे इसको बढ़ा सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं, और घटाना चाहते हैं और भी घटा सकते हैं, यानी कि स्मॉल करना चाहते हैं स्मॉल भी कर सकते हैं, और लार्ज करना चाहते हैं तो लार्ज भी कर सकते हैं। देखिए, तो मैं इसको स्मॉल करना चाहता हूँ, मैं इतना करना चाहता हूँ, ये मैंने कर दिया है। या थोड़ा सा हम और बढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैं इतना रखना चाहता हूँ, ये मैंने कर दिया है, और बैक कर देंगे। बैक करते ही आपका ये जो आइकन साइज है वो चेंज हो जाएगा, ये देखिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।